बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, और आपको भाई आज के डॉलर और रियाल के रेट से अपडेट कर देता हूँ। यानी कि आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट रहा है पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको मैं डॉलर के रेट के मुतल्लिक ही यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको रियाल के रेट से भी अपडेट कर देता हूँ मैं। देख लें, कल डॉलर का रेट था जी 169.97, यानी कि 3 पैसे कम, 170 रुपए। तो ये रोज बरोज नीचे हो रहा था, कल भी मैं देख रहा था गालबन 70 पैसे ये कम हुआ था कल की तारीख में, लेकिन आज इसमें इजाफा हुआ, कुछ इजाफा हुआ है। यानी कि इससे आप यही अंदाजा कर सकते हैं, सिर्फ 4 पैसे का इजाफा हुआ है, लेकिन डॉलर अभी रुक गया है, मजीद नीचे नहीं गया है, आज 4 पैसे मजीद बढ़ा है। तो अगर रियाल के रेट की मुतालिक बात करें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है ये डॉलर का रेट जो गिर रहा था, जो कि 175 रुपए से ऊपर जा चुका था, ये मोहम्मद बिन सलमान ने जो पैसे जमा करवाए थे पाकिस्तानी स्टेट बैंक में, उसकी वजह से भाई ये नीचे आ रहा था, और अभी आज ये रुका एक जगह के ऊपर, यानी कि 4 पैसे बढ़ाया नहीं, तो पिछले 6-7 दिन से ये दिन ब दिन नीचे ही आ रहा था। अगर रियाल के रेट की बात करें तो यहां पर आप देख रखे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर 45.32 रुपए, ठीक है जी, ये आज का रियाल का रेट है। हालांकि एक दो दिन पहले की बात करें तो 45.51 रुपए था, लेकिन रियाल नीचे आ चुका है। लेकिन अगर डॉलर भाई अगर आस्ता आस्ता ही चाहे ऊपर जाना शुरू हुआ दोबारा से, तो रियाल फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आज का डॉलर का और रियाल का रेट था जो मैंने आपको दिखाया है। अच्छा, इस रियाल के रेट में 5-10 पैसे 20 पैसे कम व ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बैंकों के रेट मुख्तलिफ होते हैं या टाइम वाइज के हिसाब से, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो।